लंबे समय से जिसका इंतजार था, वो बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद अभी 15 मिनट पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई है, जिसमें दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। अरे यार, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, खड़े होके तारीफ तो कर दो, ताली तो बजा दो। इनको पता है किससे सुरक्षा चाहिए, इनको पता ताली है किससे सुरक्षा चाहिए। ताली तो बजा दो। मुझे बेहद दुख है कि भाजपा वालों को इसकी बिल्कुल खुशी नहीं हुई है। पूरी दिल्ली पिछले कुछ सालों से जिस तरह से दिल्ली के अंदर अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पूरी दिल्ली के लोग इसकी वजह से बहुत व्यथित हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है, दिल्ली पुलिस सीधे उनके अंडर में आती है, वो पूरी तरह से फेल हुए हैं दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने के लिए। गृह मंत्रालय, केंद्र का प्रधानमंत्री दफ्तर, उनके एलजी साहब और उनकी पुलिस दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। हमारे हाथ में इतना ही था कि हम सीसीटीवी कैमरे लगा सकें। सीसीटीवी कैमरे लगेंगे तो एक डर रहता है एक आदमी के मन में कि भाई सीसीटीवी कैमरे हैं तो मैं गलत काम करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। सीसीटीवी कैमरे लगेंगे तो जो चोरी चकारी है उसमें भी बहुत कमी आएगी। सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और भी जितने गलत किस्म के काम हैं, हम देखते हैं सड़कों के ऊपर इल्लीगल तरीके से बसें खड़ी रहती हैं, गाड़ियां खड़ी रहती हैं, कई दारू के ठेकों के बाहर गलत किस्म की गतिविधियां होती हैं, कई पार्कों के अंदर जुएबाजी होती है, नशेबाजी होती है, ड्रग्स का धंधा चलता है। और सीसीटीवी लगेंगे तो भाजपा और कांग्रेस वालों को चुनाव के टाइम में पैसा और दारू बांटने में बड़ी कठिनाई पैदा होने वाली है। तो ये पूरी दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन सबको ये बताना जरूरी है कि कितनी मशक्कत करनी पड़ी हम लोगों को। दिल्ली के लोगों ने हमें 70 में से 67 सीट देके भेजी थी, ये सोच के कि भाई अब तो पूरा कर दिया, अब तो ये चलाओ सरकार। लेकिन ये भाजपा वाले बाज नहीं आते हैं। इन्होंने जो पूरी अफसरशाही पे इन्होंने ऐसा कंट्रोल लगा रखा है, ऐसा वो कर रखा है। हमने इन प्रिंसिपल अप्रूवल अक्टूबर 2015 में दिया था, इन प्रिंसिपल कि भाई सीसीटीवी कैमरे लगने हैं। इन्होंने अफसरों के जरिए 3 साल फाइलों को ऐसा घुमाया इन लोगों ने, 3 साल तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने दिए इन्होंने। और जब अंत में महीने 2-3 महीने पहले ये हो गया भाई अब तो लगने ही वाले हैं, तो इनके एलजी साहब ने एक कमेटी बना दी, बोले कमेटी तय करेगी कि सीसीटीवी कैमरे कैसे लगेंगे। उस कमेटी ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए लाइसेंस लेने पड़ेंगे, तुमसे बंदूकों के लाइसेंस तो दिए नहीं जाते, तुम सीसीटीवी कैमरों के लाइसेंस दोगे। डीसीपी लाइसेंसिंग सीसीटीवी कैमरे लगने के अब लाइसेंस देगा दिल्ली में, जैसे सारे काम खत्म हो लिए, महिलाओं की सुरक्षा भी हो ली, सारे काम खत्म हो लिए, अब यही काम बचा है सीसीटीवी कैमरे। आप ही लोगों का डेटा आया, वो एलजी साहब का, आपके एलजी साहब का डेटा है कि 2 लाख या पता नहीं 3 लाख कैमरे ऑलरेडी हैं दिल्ली में, तो इसका मतलब 2 लाख लोग अब लाइन में लगेंगे सीसीटीवी कैमरों के लाइसेंस लेने के लिए। तो लाइसेंस कैसे मिलेंगे, पैसे तो राफेल डील से पैसे कम मिले थे क्या, पूरे हो गए लिए क्या राफेल डील वाले पैसे, जो
सीसीटीवी कैमरों के पैसों से तुम्हारी पार्टी चलेगी? शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। भाजपा को जवाब देना चाहिए। दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि लाइसेंसिंग क्या भाजपा सीसीटीवी कैमरों के लाइसेंस के पक्ष में है? सीसीटीवी कैमरों के लाइसेंस क्यों होने चाहिए? और अभी भी हम सुन रहे हैं, कल सवेरे से जब से पता चला है ना कि आज कैबिनेट मीटिंग होने वाली है सीसीटीवी कैमरों की, कईयों के फोन आ लिए, पत्रकारों के फोन आ लिए, बोले देखना जी अभी तो एलजी साहब इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना के भेजेंगे। तो आज ये सदन अगर आप सबकी हो तो इन तीनों की जिम्मेदारी लगाते हैं। अब एलजी साहब से मिलके आओ, यहां से सीधे जाओ, आपने एलजी साहब से मिलके आओ और ये इंश्योर करना कि अब ये सीसीटीवी कैमरों के ऊपर एलजी साहब और किसी तरह की अड़चन नहीं अड़ाएंगे। तो मैं फिर दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं कि उनकी जो इतनी पुरानी इतनी लंबी डिमांड थी अब वो पूरी होने जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब और इसमें अड़चने भाजपा और कांग्रेस वाले थोड़ी शर्म करेंगे और अड़चने इसमें नहीं अड़ाएंगे और दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।